बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, प्रीवियसली हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया अपना, हमने येस्टरडे दैट वी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, एंड आई टोल्ड यू दैट अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस देयर विल बी टू कंटेंट दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, दैट इज हेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज वॉन हेबर साइकिल। हमने प्रीवियस लेक्चर में हेस लॉ के बारे में पढ़ा और मैंने उसमें आपको एनर्जी डायग्राम्स भी बताई। अब हम उसकी हेस लॉ की कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। Now student, here that I have pasted a question here is actually the example number 11.5 according to your book. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने स्लाइड पेस्ट की है, एक्चुअली ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11.5. ओके, दिस इज 11.5. अब इसमें हम हेस लॉ की एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे कि हेस लॉ किस तरह से एप्लीकेबल है डिफरेंट उसमें। हेस लॉ जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, हमें हेस लॉ किस तरह से हेल्प करता है? हेस लॉ हेल्प अस टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एक हेस लॉ जो है हमें हेल्प करता है जो किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज द हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट हेस लॉ is helpful in finding out or in determination of what that is the enthalpy of formation. ठीक है, क्या टर्म इस्तेमाल में कर रही हूँ? दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेजिग्नेटेड एज डेल्टा एच एफ। ठीक है, डेल्टा एच एफ नॉट, नॉट मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब यहाँ पर जो चीज हम दे रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा एच एफ किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? दैट इज, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट विद ऑल सब्सटेंसेस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। सो हाउ वी डिफाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? I repeat, it's defined as the enthalpy change that accompanies the formation of one mole of a compound from its elements with all substances in their standard state. अगर हम standard enthalpy of formation के बारे में बात करेंगे तो standard conditions और one mole of formation, मतलब जब एक compound जो है वो one mole उसकी formation होगी, उसमें जितना enthalpy change आएगा that will be your enthalpy of formation. ठीक है, तो Hess law help us in determination of enthalpy of formation. आप किस तरह से इसको find out करेंगे? Let's see. अब यहाँ पर जो मैंने example आपकी paste की है That is 11.5 example. इसमें हमने enthalpy of formation of methane calculate करनी है। अच्छा बेटा, इसमें जो है आप लोगों ने जो main reaction होता है उस पर focus करना होता है कि आपने जो चीज़ find करनी होती है what is the content of your reaction. ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो you can see here this reaction, this one, that carbon plus 2H2O and methane formation here. ठीक है, ये वाला, this one. ठीक है, this is the main reaction. That what is, question is what is the enthalpy of reaction or the enthalpy of formation of this one, that delta H for the formation of methane, that CH4 from the solid carbon and hydrogen gas. So this is your reaction और इसी के accordingly आपने बाकी information को जो है manipulate करना है. ठीक है, अब look it here, in the reactant side we need one carbon and two hydrogens. okay, अब यहाँ पे जो आपको information given है, ठीक है, information given होने के लिए हमारे पास जो चीज आपको दी गई है, इसमें that is ये तीन reaction जो है हमें help करेंगे और इनकी जो एंथैल्पी वो हेल्प करेगी हमें CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए। अब आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं कि हमने इसके इनके साथ क्या करना है। सबसे पहले मुझे रिएक्टेंट साइड पे
क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, हम सम अप करते हैं रिएक्शंस को, तो उसमें हमें रिएक्टेंट साइड पे क्या चीज़ चाहिए, कार्बन चाहिए। ठीक है, तो मैं ये जो पहला वाला, ये जो सॉरी नंबर टू रिएक्शन है, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इस वाले रिएक्शन को मैं एज इट इज ले लूंगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम एज इट इज ले लेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, ओके। नाउ इन द मेन रिएक्शन यू कैन सी हियर, ये मेन रिएक्शन में आप देखें, मेन रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, सो सेकेंड रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ये जो H2 है, पहला ये दैट वन, मैं नंबरिंग कर लेती हूँ दिस वन, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा किस साइड पे आना चाहिए, हमें ये हाइड्रोजन यहाँ पे वन है और हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, दो हाइड्रोजन की। तो हम इसे क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, ओके। हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं आपने इनका ख्याल रखना है कि ये वैल्यूज जो है वो करेक्ट लिखी जाए। जैसे यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ये वाली जो इंथैल्पी है, ये वाली जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बार बार कार्बन डाइऑक्साइड का करवाया था, वो इस वाले रिएक्शन की है, और ये जो 285 है ये वाटर की है। ठीक है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोगों की बुक में सही से वैल्यू गिवन है। ये पिक्चर जो मैंने पेस्ट की है इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। ओके, तो दोबारा से हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन को एज इट इज ले लेना है, और जो फर्स्ट रिएक्शन है क्योंकि हमें दो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इस वाला रिएक्शन जो थर्ड रिएक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। वी विल रिवर्स दिस रिएक्शन बिकॉज आई नीड मीथेन एट द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, हमें कहाँ पर चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिमेंबर स्टूडेंट, जिस रिएक्शन को आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए रिवर्स करेंगे तो उसकी जो इंथैल्पी होगी वो इंथैल्पी भी रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये इंथैल्पी जो है नेगेटिव 890.3 है तो ये पॉजिटिव 890.3 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चेंजेस किए हम वन बाय वन करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन रिएक्शन था जिसकी हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, दैट इज कार्बन प्लस 2H2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन रिएक्शन है जिसके मुताबिक हमने सारी ऑल्टरनेशन करनी है। सो इसके मुताबिक मैंने सबसे पहले क्या किया, जो रिएक्शन था हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाले रिएक्शन को मैंने एज इट इज ले लिया है। ठीक है, और जिसकी इंथैल्पी कितनी है, 393, और ये तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बार बार आपको ये इसकी एनर्जी डायग्राम भी बना के बताई थी। इसमें देखिए ये 393.5 किलो जौल पर मोल हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि जो हाइड्रोजन वाला रिएक्शन है, बिकॉज आई नीड टू हाइड्रोजन हेयर, जो हमारी पास इक्वेशन इन्होंने दी, यहाँ पर हमारे पास टू हाइड्रोजन है तो उस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको एक दफा स्टेप करती हूँ फिर हम जो इसको लिख लेंगे दिस वन। इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, साथ ही इसकी जो एंथैल्पी है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, नेगेटिव 285.5। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट विल बी, ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे तो क्या आएगा, 2H2 प्लस, देखिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, 2H2O, और जो एंथैल्पी आपकी आ जाएगी, एंथैल्पी विल बी -571.6 किलो जाउल। ओके, दैट विल बी -571.6
0.6 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, 285.5 को ठीक है करते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 25 से 10 हेयर, सो 1 कैरी, 25 से 10, सो 1 हेयर, 28 से 16, 7 1 कैरी एंड 22 से 4 5, ठीक है, सो 5 7 एक के बाद है तो हम ये 571 आ जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 571 लिख लेते हैं डायरेक्ट, नेगेटिव 571, ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वैल्यू आ गई एंथैल्पी की, 2H2O, ठीक है बेटा, इस तरह से ये वैल्यू आई, आपको क्लियर हो गया कि रिएक्शन कैसे आया। अब मैं ये फर्स्ट जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की इसको इरेज करके इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिख देती हूँ। अब देखें ये 2 इससे क्रॉस हो गया तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग अगले स्टेप में कीजिएगा, मैं इसी में फिर आपको ऐड करके बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिएक्शन जो है वो चेंज हो गया, इसको लिख लेते हैं जो हमने चेंज किया, दैट विल बी 2H2 प्लस ऑक्सीजन 2H2O एंड योर एंथैल्पी इज 571 माइनस 571 किलो जाउल पर मोल। ओके, थर्ड रिएक्शन जो था उसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा CH4 है वो रिएक्टेंट साइड पे है, हमें रिएक्टेंट के साइड पे नहीं बल्कि हमें प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, तो हम उस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, कौन सा वाली रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, रिएक्शन था CH4 प्लस, दैट इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, लुक एट योर बुक, बुक्स पे देखें अपनी, पहला रिएक्शन है ये 11.5 में जो पहला आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें देखें अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग 303 पेज है ये। नाउ लुक इट, यू कैन सी हेयर दैट, ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H2O, इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स करना है, उसके और इंथैल्पी है इसकी 890.4, ओके, इसका जो इंथैल्पी है आपकी, योर एंथैल्पी इज नेगेटिव 890.4, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन को जो है रिवर्स करेंगे, व्हाई वी आर रिवर्सिंग दिस रिएक्शन, बिकॉज मुझे जो मेन रिएक्शन है वो उस मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड आई हैव टू राइट इट ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना है, तो हम जब इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास कंडीशन कैसे हो जाएंगी, दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब ऑब्वियसली एंथैल्पी भी इसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जो कि हो जाएगी प्लस, इसको थोड़ा हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं, दैट इज CH4 प्लस 2O2 एंड एंथैल्पी विल बी प्लस, ठीक है, रिएक्शन रिवर्स किया है तो एंथैल्पी भी आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, ये आ गई। इस तरह से हमने इस रिएक्शन को क्या किया, हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब ये तीनों रिएक्शन जो है हमारे मेन रिएक्शन के लिए हो जाएंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया था, ये देखिए दिस वन, ओके। अब जो जैसे हम क्रॉस कटिंग करते हैं, इसकी कटिंग करेंगे इनकी ताकि हमारे पास मेन चीज रह जाए, सो लुक इट हियर, क्या क्या चीजें क्रॉस हो सकती हैं, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कट, ओके, एंड देर आर टू ऑक्सीजन हेयर,
1 प्लस 1 2, ठीक है, ये इसके साथ कटिंग हो गई हमारी। अब 2H2O, 2H2O को कटिंग करते हैं, 2H2O हेयर एंड 2H2O हेयर। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज़ बच गई है अकॉर्डिंग टू आवर मेन इक्वेशन हेयर, सो कार्बन, ये देखें ये कार्बन बचा। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या बोला, 2H2, मीन्स हमने बिल्कुल सही तरीके से अपनी इक्वेशंस को अरेंज किया है। लुक एट द मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन को फोकस्ड रखें। और क्या चीज़ बच गई हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे, सिर्फ और सिर्फ मीथेन CH4। सो दिस मीन्स दैट यू हैव correctly arranged or so you can find the heat of formation for your compound and your compound here is methane, ठीक है। अब इसकी enthalpy find out करते हैं बच्चे, देखें enthalpies की calculate करेंगे। enthalpy आप लोग पे से plus करें calculator की help से, 890 is plus, इन दोनों को minus minus आप वो करेंगे तो जो आपका answer आएगा, your answer will be minus 74.6 किलो जाउल पर मोल। ओके, आप लोग कैलकुलेटर से एक दफा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि इस तरह से कैसे हमारा आंसर आ गया, दैट हम इसको कैलकुलेट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आंसर आएगा आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, तो इसमें आपका आंसर जो है वो आएगा 7.74.1 किलो जाउल पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो है ये जो एंथैल्पी दी हुई है वाटर फॉर्मेशन की, वो 285.5 है। जब आप उसको डबल करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो 571.0 आ जाता है, ठीक है। तो आपके आंसर जो आएगा, तो इसकी एंथैल्पी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 74.1 किलो जौल पर मोल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो एंथैल्पी आई है वो इस तरह से 74.1 आगे, तो आपकी जो CH कार्बन प्लस 2H2 का जो एंथैल्पी फॉर्मेशन आपकी CH4 की आपने कैलकुलेट की, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 74.1 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ये आपकी फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट हो गई, ठीक है। सो दिस इज द वे दैट यू कैन कैलकुलेट दिस। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल और करेंगे। एक और एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपकी बुक की एक्सरसाइज से देखी है। आपकी बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएं। इन योर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द दैट इज कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपने क्या किया है, दैट इज हमने जो फाइंड आउट करना है जो आपका रिएक्शन है, दैट इज दिस इज द मेन रिएक्शन, ओके, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, हमने इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। अब इसके जो हमें डेटा प्रोवाइडेड है, हमारे पास दो डेटा प्रोवाइडेड है यहाँ पर। पहला जो डेटा जो क्वेश्चन है, दैट इज सल्फर सल्फर प्लस 3/2 ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इसको आप फर्स्ट कर लीजिए, देखें आपके पास जो रिएक्शन दिए हुए हैं, दैट इज 2SO2 प्लस ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू 2SO3, इसकी जो एंथैल्पी दी हुई, दैट इज माइनस 198.2 है, ठीक है। और एक रिएक्शन और दिया हुआ है, दैट इज सल्फर प्लस 3/2 ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ SO3, इसमें जो एंथैल्पी दी हुई है माइनस 395.2 किलो जौल पर मोल दी हुई, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, इसमें भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो हमारी जो मेन इक्वेशन है जिसमें एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है, हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO2, ठीक है। हमने सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है, तो हम देख लेते हैं हम रिएक्शंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सो यू कैन सी हेयर दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड आई नीड वन सल्फर हेयर, ठीक है, मुझे एक सल्फर चाहिए यहाँ पर, तो एक सल्फर है। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पर वन ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास SO2 है। यहाँ पर हम इन इक्वेशन को इसी तरह से अरेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशंस, हमने सबसे पहले क्या है, सल्फर हमें चाहिए, तो हम ये वाली इक्वेशन जो है एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम सेम ले लेंगे, दैट इज S प्लस 3/2, हम इस इक्वेशन को
एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड है जिसमें दैट इज हमारी प्रोडक्ट साइड पे है, ये वाला हमारे पे यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे है, तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को जो है दैट वन दैट इज इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे टू से, क्योंकि हमारा यहाँ पे वन मोल प्रोडक्ट है। एंड सेकेंडली दिस इक्वेशन विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे और फिर इस इक्वेशन को रिवर्स्ड करेंगे। फर्स्ट दैट दिस इक्वेशन विल बी टेकन एज सेम, ये वाली हमारी इक्वेशन सेम रहेगी, इसको हम टू पे डिवाइड भी करेंगे, दैट विल बी डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो वन मोल है, और इसको हम इक्वेशन को क्या करेंगे रिवर्स भी करेंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे टू से, देन दिस विल बिकम, सो टू बाई टू हो जाएगा इसको हम। ठीक है, SO2, इसको ऑक्सीजन को हम डिवाइड करें हैं। ठीक है, तो यू कैन सी दैट 1/2 2SO3, तो ये इधर कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और जो वैल्यू है उसको भी हम किस तरह से कर देंगे, वो भी आपकी जो है दैट इज यहाँ पर क्या है -198.2। ठीक है, 2 भी इसको कर देंगे, सो 2 9 18 2 9 18.1। ठीक है, ये से कट गया। सो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या इक्वेशन आ जाएगी आपकी, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, SO3 एंड -99.1। अब मैंने इसको 2 पे डिवाइड कर लिया है, और अब मैं इस इक्वेशन को रिवर्स करूंगी। ठीक है, हम इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो द डेटा जो कि हमने इसमें फाइंड आउट किया, क्या किया हमने कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिया, दैट वाज एस दैट इज सल्फर प्लस 3/2 ऑक्सीजन SO3, enthalpy is -395.2 kilojoule per mole, and the second one जो कि हमने equation change की, equation जो है हमने क्या किया, पहले 2 से divide किया, फिर उसको reverse कर दिया, तो जब हम reverse कर देंगे उसको, तो equation क्या बनी वो, this equation will become SO3 into SO2 and हाफ ऑक्सीजन, एंड योर एंथैल्पी वॉज बिफोर रिवर्सिंग इट वॉज -99.1, नाउ दिस इक्वेशन इज रिवर्स, सो योर एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव 99.1 किलो जाउल। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जो आपका रिएक्शन मेन क्या है बेटे, वो है सल्फर प्लस ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अपना मेन रिएक्शन है जो कि अपने माइंड में रखना है। सो हम इनकी कटिंग करते हैं, देखें ये इससे क्रॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारी जो रिमेनिंग कटिंग है वो आ जाएगी ऑक्सीजन के लिए। तो बेटे यहाँ देख लें, हम ऑक्सीजन को यहाँ पर जब क्रॉस कट करेंगे तो इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन बच जाएगा, 3/2 है, 1/2 के साथ जब आप करें, देखिए बेटा किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ, देखिए 3/2 ऑक्सीजन है -1/2, ये 3/2 एंड 1/2। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 3 माइनस 1 दैट इज 2/2, क्या बचा आपके पास 1। ठीक है, तो क्या हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, सल्फर प्लस कितना ऑक्सीजन हमारे पास बच गया, 1 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इट मीन्स दैट वी हैव, हमने जो कुछ अरेंजमेंट किया है अपने एंथैल्पी फाइंड करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हमारा रिएक्शन बिल्कुल सेम रिजल्ट आया है। अब हम इसको कर लेते हैं, प्लस 99 है, -395 है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी। ओके, सब आप कैलकुलेट कर लें अपने कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ जाएगा -296.1 किलो जाउल। ठीक है बेटा, तो ये आपका
आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ आया है कि हमने किस तरह से इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपल, आपने क्या करना है कि जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने चेक करना है कि इसकी इंथैल्पी फॉर्मेशन किस तरह से है। आपने इंथैल्पी फॉर्मेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमेंबर इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ योर हैस लॉ, ये आपकी हैस लॉ की एप्लीकेशन है। और इसमें हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जो आपको मेन रिएक्शन गिवन होता है जिसकी हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिस कंपाउंड की फाइंड करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे SO2 की फाइंड करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके जो गिवन रिएक्शन गिवन डेटा है उसको अरेंज करना है, इंथैल्पी को भी वैसे करना है। रिमेंबर अगर रिएक्शन रिवर्स करें हैं तो हम इंथैल्पी भी रिवर्स करेंगे, और अगर हम रिएक्शन डिवाइड या मल्टीप्लाई करें हैं तो इंथैल्पी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी। ठीक है, फिर आपने उसी तरह सम अप कर लेना है, जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको क्रॉस कट कर लेना है जैसे आप मैथ्स में करते हैं, तो फिर जो आपकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। सो हेयर वी हैव कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चे आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,